जय भारत महासंपर्क अभियान के तहत शुक्रवार को कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर 75 घंटे के अभियान के तहत खोराबार ब्लॉक के लहसणी के न्याय पंचायत में प्रभात फेरी यात्रा निकाला तथा जनता की समस्याओं को सुना। इसी क्रम में महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर शाहपुर स्थित भेड़ियागढ़ में श्रमदान किया और नागरिकों की समस्याओं को सुनकर आश्वस्त किया, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने युवाओं के लिए अनेकों काम किए थे तथा देश हित में शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के किसानों के लिए काम किया था। उनकी जयंती पर श्रमदान करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। इस अवसर पर महानगर उपाध्यक्ष रोहन पांडे, तेज नारायण श्रीवास्तव, प्रणव उपाध्याय, नवीन सिन्हा, अनिल दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। रे नौजवान गाओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान गाओ रे, दो कदम मिलाओ रे, दो कदम बढ़ाओ 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 रे। शांति की दुआया मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय, जय जय, बोलो भारत माता की जय। उत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उसमें उन्होंने संदेश दिया है, उसको पढ़िएगा। जाएंगे परिवार से, आइए फिर से आइए। देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी ने यह निर्णय लिया कि 75 घंटे हम लोग जनता के बीच में वार्डों में जा करके रहेंगे, उनके समस्या को सुनेंगे, उनसे परिचय, तमाम बातें और हैं। वो इसी संबंध में आज राजीव जी का जन्मदिवस भी है। जन्मदिवस के अवसर पर चूँकि कांग्रेस की जो है सेवा का धर्म रहा हमेशा से, तो आज उनका जन्मदिन हम लोग श्रमदान करके कर रहे हैं। तो आज आपके बगल में जो माता जी का मंदिर है, इसमें साफ सफाई का कार्यक्रम है और आप लोगों से अभी डोर टू डोर मिल करके ठीक है, वो रोड रोड ही साफ करते हैं जी, तो साफ करने का पैसा हम लोग देते हैं जी, ठीक है जी, तो वो सरकारी होना चाहिए, मंदिर सरकारी या प्राइवेट है नहीं। जी का जन्मदिन है और देश 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है, तो आज राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग अपना इस मंदिर पे आकर श्रमदान कर रहे हैं उनके जन्मदिन पे, और यहाँ के लोगों से मिलकर उनका प्रियंका गांधी जी का संदेश आपके पास भेज रहे हैं, और जो समस्या है उसको जानने की, आपसे कोई समस्या हो तो आप हम लोगों से बात बताएंगे। आशुतोष तिवारी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर और राजीव गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम सभी कांग्रेस जन गोरखपुर शहर के सभी वार्डों में जाकर के लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, वहाँ के वहाँ श्रमदान करके राजीव गांधी जी का आज हम लोग जन्मदिवस मना रहे हैं। और जो कांग्रेस का सेवा धर्म था, कांग्रेस की जो नीतियां हैं और जिस तरह से
कांग्रेस ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से देश को एकजुट करके देश को चलाने का कार्य किया, आज देश की स्थिति कहीं ना कहीं से बिगड़ती नज़र आ रही है। इस सब को देखते हुए प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर हम लोग 75वें वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस के 75 घंटा जनता के बीच में है और उनके समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। उनके जो समस्याओं का निस्तारण है उसके लिए संघर्ष करने की रणनीति बनाएंगे। और आज जो 20 जो तारीख है, आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्मदिवस है, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, जिन्होंने युवाओं के लिए काम किया था, जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया था, जिन्होंने देश के बुजुर्गों के लिए काम किया था, देश के बच्चों के लिए काम किया था, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम किया था, किसानों के लिए काम किया था, देश के हर तबके के लिए काम किया था। आज उन्हीं सब बातों को लेकर के प्रियंका जी का संदेश लेकर के हम लोग जनता के बीच में हैं। आप देख रहे हैं आज हम लोग यहाँ भेड़ियागढ़ वार्ड में आए हैं। यहाँ माता जी का ये जो मंदिर है, यहाँ हम लोग साफ सफाई करके श्रमदान भी किए हैं राजीव गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। हम लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि इस देश के रक्षा के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों, सबके लिए, सभी वर्गों के लिए जो है ज़मीन पे उतर के संघर्ष करके उनके लिए काम करेंगे और फिर से इस देश को मजबूत करने का कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे गोरखपुर में है, श्रम जी कर रहे हैं, प्रभात फेरी भी है। जी, मैंने बताया शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 2 दिन से इस जनपद में है, जनपद के गाँव में रुके हुए हैं, वहाँ श्रमदान भी कर रहे हैं, वहाँ लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और तमाम समस्याएं जो खुद हल होनी है, जिस श्रमदान से हो जानी है, साफ सफाई, तमाम ऐसे जगह जो कई दिनों से नगर निगम हुआ, चाहे गाँव में जो विकास कार्य है वह नहीं, साफ सफाई के कार्य वो नहीं हो पा रहे थे, अध्यक्ष जी और हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण सब लोग मिल करके वहाँ साफ सफाई करके वहाँ के जगह को जो फिर से उपयोगी बनाने का काम किया है। नालियों की सफाई किए हैं, सड़कों की सफाई किए हैं, यह सब काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अब जनता से गठबंधन करते हुए जनता के साथ, जनता के बीच में रहने का ये जो 75 घंटे का अनुभव है, निश्चित रूप से यह देश के काम आने वाला है, लोगों के काम आने वाला है और जो पार्टी का उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, उन्नति, विकास, यह पूरा होने के लिए यह जो काम है यह काम आने वाला है।